हम काफिरों के दिलों में रोग डाल देंगे उन तमाम बातों की वजह से कि उन्होंने अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ें शरीक की हैं कि जिन चीज़ों की दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। ऐसे लोगों का ठिकाना आग है और कितना ही बुरा जुल्म करने वालों का ठिकाना है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 151 का तर्जुमा आप हज़रात के लिए मुझे रखा है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों के अजमत का और काफिरों की बुजदिली का तस्किरा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला काफिरों के दिलों के अंदर मोमिनों का रोग डाल देता है। और ये रोग क्यों डालता है उसकी वजह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में जिक्र की है। हुआ कुछ यूँ था कि जब ईमान वालों की मुसलमानों की शिकस्त हुई तो शिकस्त के बाद कुछ काफिरों के दिल में ये ख्याल आया कि अगर मुसलमान शिकस्त खा सकते हैं तो क्यों ना हम इनका सफाया कर दें, इनको ख़त्म कर दें। ये ख्याल दिल में उनके आया तो अल्लाह ताला ने क्या किया, मोमिनों का ईमान वालों का मुसलमानों का रोग जो होता है वो काफिरों के दिल में डाल दिया, दुश्मनों ने डाल। अब उन्हें इतना रोग तारी हुआ दिलों के अंदर कि वो इस ख्याल को ही उन्होंने छोड़ दिया। ये ख्याल अब लाना जहन और दिमाग के अंदर ये बेसूद है, बेफायदा है। रोग किसको कहा जाता है, रोग कहा जाता है खौफ की सबसे सख्त तरीन हालत। अरे इंसान को खौफ आता है, लेकिन खौफ भी एक दर्जा होता है उसका, लेकिन खौफ की सबसे आखिरी दर्जा जो है वो रोग कहलाता है। किसी का रोग किसी की हैबत दिल में तारी कर लेना। आप देखिए हदीस के अंदर इस तरह से आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 5 चीजें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं थी। 5 चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी दी गई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है, इससे पहले किसी नबी किसी रसूल को नहीं दी गई। उन 5 चीजों में एक चीज क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नुसिरतु बिर्रुबी मसीरत शाहिद, कि मेरी मदद जो है रोड के जरिए कर दी गई है 1 महीने की मसाफत तक। यानी अगर कहीं मैं हूं तो 1 महीने की मसाफत तक इंसान सफर करे तो उस दरमियान जितने काफिर होंगे उनके दिलों के अंदर मेरा रोड डाल दिया गया, मेरी हैबत। आप इतना रोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोग है, दबदबा है और आपका खौफ है, उतना किसी नबी का किसी रसूल का नहीं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदूस है। इसलिए बहुत सारे कुफार ऐसे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ही थर थर कांपने लगते थे। आपको देखकर ही आपका रोग इतना था, इतनी जलाल और हैबत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि बहुत सारे काफिर वैसे ही थरथराने लगते। बल्कि वाकई कुछ यूं है, एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो कहते हैं हमारे खौफ के उसका शाना जो था ये गोश्त कांप रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जब उसके कांधे पर पड़ी तो बोले घबराओ नहीं, खौफ मत करो, मैं तो उस औरत का बेटा हूं जो गोश्त सुखा कर खाया करती थी। यानी इसके खौफ को कम करने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की। तो हदीस से यह मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोग है वो 1 महीने की मसाफत तक जितने कुफार हैं उनके दिलों के अंदर बैठा हुआ है 1 महीने तक। अब सोचिए उसके बाद इस आयत करीमा से यह मालूम हुआ कि इसके बाद जब काफिरों ने खत्म करने की कोशिश की कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, तो ये भी उनके लिए कारगर ना हुआ और रोग इतना पड़ा कि काफिरों ने ये ख्याल भी तर्क दे कि इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, ये भी रोक डाल दिया गया। और इस आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि ईमान वालों का रोग भी काफिरों पर है, लेकिन बुनियाद क्या है, ईमान वाले वाकई ईमान वाले होंगे जब अगर उनके ईमान के अंदर शिर्क की आमेजी जो है तो रोग खत्म हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने आगे फरमाया बिमा अशरकू बिल्लाही मा लम युनज्जिल बिही सुल्तानन, शिर्क की बुनियाद पर, क्योंकि काफिर शिर्क करते हैं और मोमिन शिर्क नहीं करता, तो
तो शिर्क और कुफ्र की बुनियाद ही असल में रोल की है, जिसके अंदर सिर्फ तौहीद होगा उसका ही रोल होगा, और जिसके अंदर तौहीद नहीं होगा उसका रोल नहीं पड़ सकता। इसलिए हम देखते हैं कि मुसलमान मरूब हो जाते हैं काफिरों से, उनके जाहो जलाल को देखकर, उनकी इस आजाइश को देखकर मरूब हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिर्क है, मुसलमानों के अंदर ईमान के बावजूद भी शिर्क है। वो सिर्फ एक अल्लाह को नहीं मानते, रुबूबियत तो मानते हैं, एक अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है, लेकिन जब बात इबादत की आती है तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत नहीं करते। अकीदे के अंदर जब जब शिर्क आया मुसलमान तौबाला हो गए, मुसलमान मरूब हो गए, दूसरे से इंप्रेस, खुद को इंप्रेस करने के बजाय, अपना छाप छोड़ने के बजाय खुद दूसरों के उससे मरूब हो गए, इंप्रेस हो गए, इसको बोलते हैं। अब हर कोई काफिरों से दोस्ती इसलिए कर रहा है कहीं हमें तबाह ना कर दे, कहीं हमें बर्बाद ना कर दे, इसलिए दोस्ती जा रही है। तो ये बताया जा रहा है कि शिर्क एक बुनियाद है। फिर आगे फरमाया वमा वाहुन नार, ऐसे शिर्क करने वालों का ठिकाना आग है यानी जहन्नम है, वो भी समस्त जालिमीन, और कितना ही बुरा इन जालिमों का ठिकाना है। तो शिर्क एक बहुत बड़ा जुल्म है, और जो शिर्क करता है वो जालिम कहलाता है, और जालिम का जो ठिकाना होता है वो बहुत ही खतरनाक और भयानक होता है। तो बहरहाल यहाँ पर हम ये याद हमेशा रखें कि जब तक हमारे अंदर अकीदे तौहीद, खालिस अकीदे तौहीद नहीं होगा, हम कभी भी दुश्मनों से मुकाबला नहीं कर सकते। सहाबा किराम ने जब दुश्मनों का मुकाबला किया, ना तो उनके पास कोई हथियार था, ना उनके पास कोई वसाइल थे, ना उनके पास कोई ऐसी चीज थी कि जिसकी बुनियाद पर वो मुकाबला कर सकते थे, थी तो सिर्फ एक ही चीज थी, वो था अकीदे तौहीद। तौहीद अल्लाह को एक ही जानना, एक अल्लाह है जो तन्हा इबादत के लायक है, उसकी उसके अंदर कोई शरीक नहीं है, उसके अंदर कोई शरीक नहीं है। तो ये बात चीज हमें याद रखना है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसी चीजों को शरीक किया अल्लाह के साथ कि जिसके पास जिसकी दलील कोई नहीं थी। इससे ये मालूम हुआ कि कोई भी चीज करने के लिए इंसान को क्या चाहिए, दलील चाहिए, दलील के बगैर कोई चीज नहीं करना। मालूम भी रसूल भी सुल्ताना, और सुल्तान कहते हैं ऐसी दलील को जो गालिब आ जाए। दलील तो बहुत सारे लोगों के पास है लेकिन दलील कभी कभी काम नहीं करती है, लेकिन सुल्तान जो होता है, सुल्तान कहते हैं कोई भी चीज जो गालिब आ जाए, ऊपर आ जाए सबके, उसको सुल्तान कहा जाता है। जैसे अगर किसी जगह का कोई अमीर है तो उसको सुल्तान कहते हैं, घर का देखरेख करने वाला है तो उसको सुल्तान कहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों को सुल्तान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो गालिब रहता है, उसी के माध्यम सारी चीजें होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी चीजें लेकर आओ जो सब पर गालिब आ जाए, सबके ऊपर हो जाए। तो सबसे ऊपर चीज कौन सी होती है? या तो रब का कलाम होगा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होगा, जो सबसे ऊंचा होगा, उसके बाद सारी चीजें उसके मातहत होगी। तो ऐसी कोई दलील लाओ तभी कोई काम करो, नहीं तो वरना काम ना करो, यानी इबादत ना करो। तो ये चीज हुई आयत करीमा का तर्जुमा और उसकी तफसीर कि इंसान कब जो है गलबा पाता है और कब मरूब हो जाता है। ये बुनियाद तौहीद और शिर्क है। शिर्क होगा तो मुसलमान कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, शिर्क खत्म होगा तो मुसलमान कामयाब हो जाएंगे।